कोराव तहसील अंतर्गत पूर्व प्रधान बेलवनिया लाल बहादुर यादव के फसल में आवारा पशु चर रहे थे, जिसे भारी नुकसान को देखते हुए उन्हें खेत से निकालते समय उनको गश्त आया। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला, वह तुरंत सरस्वती हॉट केयर प्रयागराज ले गए। सुबह उनकी मौत हो गई। मौत की घटना सुनते ही घर में कोहराम मच गया। घर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही घर के परिजनों का कहना है कि इसके पूर्व उनके बेटे गुलाबचंद यादव कश्मीर में शहीद हो गए थे। शहीद होने के बाद वह बहुत दुखी रहते थे। जहां पर उनका खेत है वहीं पर शहीद गुलाबचंद यादव का अंतिम संस्कार हुआ था। खेत से जानवर निकालते समय स्थल पहुंच गए, वहीं पर उनको अटैक आ गया। आखिर कब तक किसान आवारा पशु से जूझता रहेगा? वही देखा जा रहा है कि मृतक का घर पूरी तरह से उजड़ गया। अब देखने वाली ये बात है कि सरकार इन किसानों के लिए क्या करती है। वही मौत की घटना सुनते ही क्षेत्र के लोगों का भारी संख्या में जमावड़ा लग रहा है। न्यूज इंडिया N9 से रोहित सिंह की रिपोर्ट। ये बता दीजिए कि आप ये घटना कैसे घटी? सर, हमारे भाई साहब जम्मू काश्मीर में तैनात CRPF पद पे थे और वो वहाँ था, उनको मार दिया गया और उन्हीं के शोक में उन्हें टेंशन हुआ और खेत में गए सुबह और नमेसी पड़े थे, उनको आंकने के लिए गए, उसमें इनको हार्ट अटैक आया और लेकिन आप पहुँचे, अस्पताल पहुँचे, भर्ती कराया गया, 24 घंटे के अंदर इनका